तो जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एंड फ्रेश वीडियो ऑफ जसवंत लांबा यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जा रहे हैं सफदरजंग टॉम्ब। एंड इस बार जो टिकट्स थी वो मैंने पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी। मुझे एक तो 5 रुपये सस्ती पड़ी, 5 रुपये नहीं 4.5 रुपये सस्ती पड़ी। सेकेंडली अब यहाँ पर तंग नहीं होना पड़ेगा। और अगर आपने भी ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी है तो आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हो टिकट। ऑनलाइन आसानी से हो जाती है और 5 रुपये सस्ती भी पड़ेगी। पर जो मुझे स्लॉट मिला गया था मैंने सेलेक्ट किया था इवनिंग वाला, तो उसके अंदर 12 से 6 की टाइमिंग दिखाई, तो इसलिए मुझे दोपहर में ही आना पड़ा। मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं था, बाकी हमें धूप से फ़र्क नहीं पड़ता। अभी लेंगे एक स्टिंग और आग लगा देंगे। सो यहाँ पर आने के बाद में भी आपको ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा। बाकी मैंने ASI.PayUMoney नाम से वेबसाइट है, वहाँ से बुक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। बाकी यहाँ पे आके स्कैन करके भी बुक कर सकते हो। कि अगर फिज़िकल टिकट चाहिए तो उधर है टिकट काउंटर। फिलहाल अभी हमने एंट्री ले ली अंदर और कड़क धूप हो रही है, बिल्कुल कड़क, और फाउंटेन्स वगैरह पड़े हैं बंद। इधर हैं अपने पेड़ और सामने खूबसूरत सफदरजंग टॉम्ब। हम गए थे फिरोज शाह कोटला फोर्ट, उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ पर तो बिल्कुल गंदगी मची हुई थी, यहाँ पर साफ़ सुथरा है, बढ़िया है। मतलब वो ये इधर नीचे की साइड में बहुत सारे रूम्स खाली पड़े हैं, तो भारत सरकार से मोदी जी से मेरी एक ही गुजारिश है कि ये नीचे वाले रूम्स को किराए पे चढ़ा दीजिए। तो रुको जरा, सबर करो, और जो भी पैसा आए उसे राम मंदिर बनाने में इन्वेस्ट कीजिए। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, it seems like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. चारों तरफ का राउंड लेने के बाद में मुझे लगी है ये प्यास, तो पानी पीने चलेंगे पहले, फिर पानी पीने के बाद में अंदर चलेंगे और अंदर चल के फिर दिखाएंगे आपको। बाकी जगह जगह पे यहाँ पे ऐसे पत्थर के बने हुए डस्टबिन भी रखे गए हैं, और जो सामने वाली फाउंटेन्स हैं वो फिर भी लग रही हैं कि चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी भरा हुआ था। बाकी जो तीनों साइड की फाउंटेन्स हैं वो ऐसा लग रहा है जमाने से बंद पड़ी हैं और एक्चुअल में टूटी हुई भी हैं बीच में से। बाकी सिक्योरिटी की भी कोई कमी नहीं है, चारों तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स खड़े हैं हर एक गेट पर, हर एक जगह पर। और फिलहाल हमें जल की बहुत सख्त आवश्यकता हो गई है। बाकी जो हमें स्टिंग पीनी थी वो हमें यहाँ पर आसपास में कहीं नहीं मिली है, तो हमें पानी पी के ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलो पानी पीते हैं और फिर चलते हैं ऊपर, कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करेंगे। आज अभी तक मैंने फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करी, मैं जितनी भी जगह पे गया, इंस्टाग्राम थोड़ा सूना हो रहा है, सो इंस्टाग्राम को भी भर देंगे। और मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ देखना। तो इधर देखा है सफदरजंग टॉम्ब का पूरा साइट मैप, और हमने आराम से खड़े होकर पूरे को समझाया। अब आपको भी समझाते हैं, पहले मुख्य द्वार मेन एंट्रेंस यानी कि गेट नंबर 1 जो कि ये है, जो कि क्योंकि ये जहाँ से हमने एंट्री लिया, ठीक है। फिर सेकंड है मॉस्क मस्जिद, जो कि इसके हिसाब से यहाँ है और वो है वहाँ, ठीक है। एंड अपना थर्ड नंबर पे मेन टॉम्ब, थर्ड नंबर वो है वो, ठीक है। उसके बाद में अपना फोर्थ नंबर मोती महल। मुझे क्या लगता है, मैं कभी कभार ना बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाता हूँ, सो इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको पसंद है या नहीं, या फिर जो मैं बकवास करता हूँ उसे वो बकवास पसंद है तो बता देना। बाकी हम ट्राई करेंगे कि दोनों चीज़ों को इंक्लूड करें, बकवास भी और डिटेल्स भी, इंफॉर्मेशन भी, क्योंकि सब कुछ ज़रूरी है।
अगर आप भी फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कराने आ रहे हैं तो परफेक्ट जगह है, बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल फोटोजेनिक जगह है, एक नंबर। बाकी जो टॉम है उसके ऊपर घासें उगी हुई दिख रही हैं, मुझे नहीं पता आपको फ़ोन के कैमरा से दिख रही होंगी या नहीं, क्लोज से दिखा दूँगा। टॉम के ऊपर घास उग रही है। फ़िलहाल बात करते हैं इस टॉम की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। ये टॉम बन के कम्प्लीट हुआ था 1754 में, एंड जो मेन ग्रेव है इसकी वो इधर है, एंड जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये लास्ट टॉम था जो मुगल्स के राज में बना था। तो कबूतरों ने इधर पूरी अपनी कलाकारी दिखाई हुई है, एंड ये है मेन ग्रेव, एंड इफ़ यू सी ग्रेव के ऊपर भी कबूतरों ने कलाकारी दिखाई हुई है। तो भाई जब तक मेरे को गर्मी लग रही थी जब तक ठीक था, पर अब मेरा फ़ोन भी मुकर रहा है, वो कह रहा है भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। बार बार फ़ोन में पॉपअप आ रहा है ओवर हीटेड। तो यार फ़ोन मुकर रहा है, अब मैं क्या करूँ भाई, मान जा यार, ऐसा तो मत कर, मैं भी तो घूम रहा हूँ गर्मी में, थोड़ा सा तू भी सहन कर। बाकी इसे छाया में लेके आके थोड़ा सा ठंडा किया है, कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे तेरे को बाहर लेके जाके, टेंशन क्यों ले रहा है। तो मस्त बना वीडियो। तो भाई मुगलों ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये सब बनवाया, तो हमारे देसी कलाकार कैसे पीछे रहेंगे। तो हमारे देसी कलाकारों ने भी कुछ अपनी कलाकारी दिखाई हुई है, विशाल ने, रिया ने, हर्षिता ने, रचना ने, अमित ने। तो भाई निब्बा निब्बी हो यही कहना चाहूँगा, सुधर जाओ अभी भी टाइम है, नहीं तो जहाँ मैंने लपक लिया ना तुम्हें, ऐसा मारूँगा समझ आ जाएगा देखना, नहीं शर्म है या नहीं है तुम्हारे अंदर, बेच के खा चुके हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि इस वाली मस्जिद को, मतलब कि मंदिर को तोड़ के ये वाली मस्जिद बनाई गई थी, जो ताजमहल है वो पहले मंदिर था। तो सफदरजंग टॉम में भी मैंने ऐसा ही कुछ देखा, दिखाता हूँ मैं। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये कलश और नारियल का निशान बन रहा है, एंड यहाँ पे ऊपर त्रिशूल का निशान बन रहा है, अगर आपको भी सेम लग रहा है तो बताओ। वैसे तो ऊपर भी जगह है उधर, पर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रखा है इन्होंने, जैसे नीचे के गेट बंद कर रखे हैं, नीचे का रास्ता बंद कर रखा है, ऐसे ऊपर का भी कर रखा है। एंड मुझे नहीं पता कि ये रास्ते इन्होंने क्यों बंद कर रखे हैं, क्योंकि जब सारा कुछ खोल रखा है और हर एक जगह पे डैमेज हो ही रही है, तो तुम दिखाते क्यों नहीं सारा कुछ, वो बंद क्यों है। ये तो क्वेश्चन रहेगा ही हमेशा, कि कोई भी मॉन्यूमेंट उठाओगे आप इंडिया में, सब में यही कर रखा है इन्होंने कि आधा बंद कर देते हैं। डैमेजेस तो आपको हर एक पार्ट पे देखने को मिलेगी, हाँ, जैसे वहाँ से वो जो बाउंड्री है वो गिर चुकी है, और यहाँ पे मैंने दिखाया वो पत्थर झड़ चुके हैं। हम टॉम्ब के साइड में घूमने, जो गार्डन से चारों तरफ उसमें, और हमें देखने को मिले यहाँ पे मोर। दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखो पेड़ पे, जूम 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 जूम, वो रहा, और वो कुछ तुच्छ प्राणी पत्थर मार मार के पेड़ों पे से आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आके भी यही हरकतें करनी रहेगी तुम्हारी, अगर वीडियो को देख रहे हो तो सुधर जाओ, ठीक है। हाँ पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं, शर्म ही नहीं है, यहाँ पे आके पेड़ों पे से आम तोड़ रहे हैं। आलम आए हैं बादशाह पसंद देखने, तो यहाँ पे भी सारा कुछ वैसे बंद लग रहा है, जो भी है इन्होंने रहने सहने के ऑफिस बना लिए हैं। ये कह रहे हैं कि ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, पर मैं ट्राईपॉड लगा के ही बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि भाई बिना ट्राईपॉड के देखो मैं से वीडियोस बन नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा शेक आता है बिना ट्राईपॉड के। और ये वाला व्यू भी अच्छा है यार, उधर की साइड से छाया आ रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, बाकी इधर से व्यू देखो। वो भी आए हम बादशाह पसंद में, और यहाँ की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
यहाँ पे है भाई एक्चुअल जीरो मेंटेनेंस, क्योंकि साइड में कोई देखने नहीं आ रहा, कूड़ा कबाड़ा डाल रखा है साइडों में। नो स्मोकिंग जोन। यहाँ पे घूमने लग रही है बहुत। क्या है ये? ये कमरे हैं। कमरे यहाँ पे क्या है, कौन रहता है यहाँ? कोई नहीं रहता, वो साहब देखे गुस्सा हो गया, बाहर चले जाओ। अच्छा अलाउड नहीं है? नहीं, यहाँ से है बाहर जाने का। अरे नहीं है भैया, बाप जान से वहीं से निकल जाओ। यहाँ पे रहता कौन है? सो भाई जो यहाँ पे लेबर है, जो यहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पे साइड में अभी नहीं पता कब्जा कर लिया है क्या, है क्या सीन है। कब्जा तो ऑब्वियसली नहीं किया होगा, पर यहाँ पे जो लेबर वगैरह हैं वो रह रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका सामान देखा उधर रेडी पे, और उन्होंने मुझे उधर एंटर नहीं करने दिया। वैसे गेट्स ओपन है, एंड मैंने पूछा कौन रहता है यहाँ, तो उन्होंने कहा कोई नहीं रहता, बट एक्चुअल में मुझे लोग अंदर दिखे, और यहाँ पे उनका सामान भी है, ये रखा हुआ है इनका सामान। नहीं भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या घपले चल रहे हैं, वो भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स के अंदर, क्योंकि भाई देखो वो भी एक मॉन्यूमेंट का हिस्सा है एक्चुअल में। जब आप मोर की आवाज़ सुन सकते हो, जो मोर मैंने बताया था, और ये भी नेशनल मॉन्यूमेंट का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि नेशनल मॉन्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। सो इसके अंदर कोई ऐसे कैसे रह सकता है, यही मेरा क्वेश्चन है। आप भी कॉमेंट करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि ये बात और भी लोगों तक पहुँचे। आपको वो गुड़िया दिख रही है छोटी सी खेलती हुई, मतलब ये वैसे तो पूरी फैमिली है जो इधर रह रही है। भाई अगर रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम इन्हें कहीं पर रूम दिलवाओ, बाहर कुछ भी करो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो कहीं कुछ ज़्यादा गहराई में तो नहीं हो जाते, क्योंकि मैं पर्सनली खुद सारा कुछ कवर करता हूँ, हर एक कोने में जाके हर एक जगह पर देखता हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ। तो अब व्लॉगिंग करनी शुरू करी है तो भाई तुम्हें भी दिखाना चाहिए ना सारा कुछ अच्छे से गहराई में, कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये सबको पता चलना चाहिए। गाइस यही कहना चाहूँगा, जय श्री राम, एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें, वीडियो को देखते रहें, एंड मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में। जब तक कर लो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, एंड शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री राम।